Hello students, today we are going to do the topic types of chemical reactions, which is the topic from chapter 1. Till now you have done balancing of chemical reactions, so next topic is types of chemical reactions. There are two bases for classification of these chemical reactions. One is the change in temperature, or what happens to the heat energy, whether it is absorbed or released. There are two types, exothermic reactions and endothermic reactions. And another base of classification is what is the nature of change that occurs in the reactant molecules during the reaction. If they are adding up, then combination, breaking down, decomposition, similarly displacement, double displacement, and oxidation, reduction or redox reaction. So we will discuss all these seven types of reactions in this video. First of all, we have the endothermic and exothermic reactions. Endothermic means endo is inside and exo is outside. So when there is a chemical reaction in which the heat energy is absorbed, then it is said to be endothermic reaction, because इस रिएक्शन होने के टाइम रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो है सराउंडिंग से हीट एनर्जी को गेन करते हैं. जैसे हमारे पास दो एग्जांपल है इसके. फर्स्ट एग्जांपल है रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन विद ऑक्सीजन, बिकॉज हियर नाइट्रोजन इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन एयर. यू नो दैट 78% जो एटमोसफियर है वो नाइट्रोजन से बना है और 21% ऑक्सीजन से बना है. स्टिल दोनों रिएक्शन क्यों नहीं रिएक्ट करते हैं? बिकॉज इस रिएक्शन को होने के लिए जो रिक्वायरमेंट ऑफ हीट एनर्जी वो बहुत हाई होती है, जो नॉर्मली प्रेजेंट नहीं है, इसलिए रिएक्शन नहीं करती. तो कब होती रिएक्शन? ये जनरली गाड़ियों के इंजन में जहाँ पर टेम्परेचर हाई होता है, या नेचुरली लाइटनिंग होती है तब जब टेम्परेचर हाई होता है. सो हीट इज़ रिटन ऑन द एरो मीन्स ये हीट एब्जॉर्ब हो रही है, हीट रिक्वायर्ड है, इसको हीट करना पड़ेगा. अनदर एग्जाम्पल इज गिवन इन योर बुक, इट इज़ मैंशनड ओनली एंड इक्वेशन इज नॉट गिवन, दैट इज़ एट पेज नंबर 10. तो वहाँ पर आपको एक दिया हुआ एक्टिविटी कि आप अमोनियम क्लोराइड 1 ग्राम और बेरियम हाइड्रोक्साइड 2 ग्राम को एक ग्लास ट्यूब में रिएक्ट करिए और उसको हाथ में टेस्ट ट्यूब को पकड़ना है. तो आप इनके थोड़े एक सॉल्यूशन भी ले सकते हैं. अमोनियम क्लोराइड का 5 ml एचसीएल ले लो और बेरियम हाइड्रोक्साइड का 5 ml सॉल्यूशन ले लो. उनको मिक्स करके टेस्ट ट्यूब को जब आप होल्ड करोगे तो आपको हाथ में लगेगा ठंडी हो रही है टेस्ट ट्यूब, थोड़ा टेम्परेचर कम हो रहा है. यहाँ पर हम एरो के ऊपर हीट नहीं लिख रहे हैं कि इसको हीट करने की ज़रूरत है, बट प्रोडक्ट साइड में लिखा है कि उसमें से हीट माइनस हो रही है बिकॉज टेम्परेचर कम हो रहा है. तो ये दो एग्जांपल्स हैं आपके पास जो कि शो कर रहे हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन. जब आपने इस चैप्टर की रिएक्शंस करनी है, साथ के साथ बेटर होता है प्रैक्टिस ऑफ बैलेंसिंग भी करें. तो अगर हम जिसे सेकेंड रिएक्शन, क्या ये बैलेंस है या नहीं, तो हमें चेक करना है हर एक एलिमेंट के आइटम को. तो यहाँ से क्लियर है कि ये बैलेंस नहीं है, क्योंकि क्लोराइड यहाँ पर रिएक्टेंट में 1 है और प्रोडक्ट में 2 है. तो अगर हमें 2 प्रोडक्ट चाहिए तो हमें 2 लगाना पड़ेगा अमोनियम क्लोराइड के आगे. साथ में 2 हाइड्रोक्साइड है यहाँ 1, तो 2 अमोनियम चाहिए हाइड्रोक्साइड के लिए. तो अब जब हम बैलेंस कर लेंगे इस रिएक्शन को, देन इट विल बी 2NH4Cl प्लस बेरियम हाइड्रोक्साइड गिव्स 2NH4OH एंड बेरियम क्लोराइड. तो ये दो एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन के, जो आपको अगर डेफिनेशन आती है तो उसके साथ लिख सकते हैं. इसके बाद एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जैसे अभी बताया मैंने, एक्सो मींस आउटसाइड. तो जब किसी केमिकल रिएक्शन के होने पर हीट एनर्जी उसमें से बाहर निकलती है, रिलीज होती है, इवॉल्व होती है या प्रोड्यूस होती है, तो हम उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन. सो दीज आर द रिएक्शन दैट अकर विद द रिलीज ऑफ हीट एनर्जी. सो मैनी एग्जाम्पल्स आर देयर. मोस्ट कॉमन इज द कम्बशन ऑफ फ्यूल्स. फ्यूल्स क्या होते हैं? फ्यूल्स बेटा वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम जलाकर उनसे हीट एनर्जी लेते हैं, चाहे हमने गाड़ियों को चलाना है, रोटी बनानी है, खाना बनाना है, वाटर बॉयल करना है, या और भी किसी पर्पस के लिए हमें अगर हीट एनर्जी चाहिए. तो आप कोयले को जलाते हैं, जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है और CO2 गैस बनती है, जिसमें हीट अमाउंट जो है लार्ज अमाउंट निकलती है. LPG, CNG, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सारे के सारे फ्यूल्स हैं, और इनके बर्न करने पर भी हमारे पास CO2, वाटर और साथ में क्या प्रोड्यूस होता है? हीट एनर्जी. तो ये सारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. जैसे CNG आपका कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, या हम नेचुरल गैस की फॉर्म में यूज़ करें तो मीथेन होता है, मेनली बायोगैस में मीथेन होता है. तो यू नो बायोगैस को बर्न करने पर हीट प्रोड्यूस होती है, तो हम कह सकते हैं वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. तो यहाँ पर आप देखेंगे मीथेन को रिएक्ट किया गया ऑक्सीजन के साथ, CO2 और H2O बनता है,
इज इट बैलेंस, तो आंसर होगा नो। क्यों? क्योंकि मिथेन में चार हाइड्रोजन है, प्रोडक्ट में हमारे पास दो ही हैं, तो हमें 2H2O लिखना पड़ेगा ताकि चार हाइड्रोजन आए। बट उसमें ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, दो कार्बन डाइऑक्साइड में, दो वाटर में हो जाएगा चार, तो हमें 2 जो है वो O2 के साथ भी लिखना पड़ेगा, तब हमारे पास ये बैलेंस इक्वेशन बनेगी। CH4 प्लस 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल गिव CO2 प्लस 2H2O अलॉन्ग विद हीट। सिमिलरली वी हैव अनदर रिएक्शन, दैट इज रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद ऑक्सीजन। ना ग्लूकोज क्या होता है, हमारे पास C6H12O6 इसका फार्मूला है। जब भी हम खाना खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन होती है हमारे माउथ में, स्टोमिक में या इंटेस्टाइन में, तो अल्टीमेटली ग्लूकोज बनता है। ये ग्लूकोज वहाँ से चला जाता है ब्लड के थ्रू डिफरेंट सेल्स में, सेल्स में होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ दी सेल। क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो खाने से एनर्जी रिलीज करते हैं जिसको सेल टिश्यूज और हमारी बॉडी यूज़ करती है डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स के लिए। तो एक्चुअली होता क्या है माइटोकॉन्ड्रिया में भी, जैसे आप गाड़ियों में ईंधन जलाते हैं ऑक्सीजन से रिएक्शन होती है, वहाँ पर ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होती है जिससे CO2 और H2O बनता है, साथ में हीट एनर्जी रिलीज होती है। सिमिलरली अनदर एग्जांपल इज क्विक लाइम रिएक्शन विद वाटर। अगर आप क्विक लाइम, जो कि लाइम भी कह सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, उसको अगर हम H2O में डालें तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे स्लेक्ड लाइम कहते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस होती है स्लेकिंग ऑफ लाइम। इसमें आपके पास सॉलिड लाइम जो है, स्लोली उसमें से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है अलॉन्ग विद प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। ये हीट एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि ये साथ में जो वाटर होता है उसको स्टीम में कन्वर्ट कर देता है, और जो बबल्स की फॉर्म में हिसिंग साउंड करते हुए बाहर आता है, इसी प्रोसेस को कहते हैं स्लेकिंग ऑफ लाइम। तो आप देख सकते हैं इस रिएक्शन को यहाँ पर, जहाँ पर आपके पास हमने लाइम के अंदर थोड़ा सा वाटर डाला और उसके बाद उसमें से बबल्स निकलना शुरू हुए। क्या रीज़न है इन बबल्स का, हीट एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है वो वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर रही है, और वो स्टीम जो है इसमें से बाहर आ रही है। तो ये थी रिएक्शन आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की विद वाटर, विच इज़ हाईली एक्सोथर्मिक। आप इसको कर भी सकते हैं अगर आपके पास क्विक लाइम हो, चूना हो घर पे, उसमें थोड़ा सा वाटर डाल के कर सकते हैं। तो रेस्पिरेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि फूड प्रोडक्ट की ऑक्सीडेशन से एनर्जी रिलीज करता है, एक्सोथर्मिक है। डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, जो गल सड़ रहे होते हैं पत्ते वगैरह या गोबर कहीं पे, वहाँ पे भी हीट रिलीज रहती है, उस एनवायरनमेंट में थोड़ा सा गर्म रहती है मिट्टी। कारण क्या है, जब डीकम्पोजिशन होता है तो हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस होती रहती हैं मैटर की, जो कि एक्सोथर्मिक इन नेचर होती हैं। तो ये दो बायोलॉजिकल वर्ड में, तो एग्जांपल डीकम्पोजिशन हो गया या साथ में रेस्पिरेशन जो है। नेक्स्ट हमारे पास बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ चेंज इन रिएक्टेंट वी हैव 5 टाइप्स ऑफ रिएक्शन। दीज 5 टाइप्स ऑफ रिएक्शन आर कॉम्बिनेशन, जहां पर दो या दो से ज़्यादा स्मॉल मॉलिक्यूल जुड़कर एक प्रोडक्ट बनाते हैं। इसका अपोजिट होगी डीकम्पोजिशन, डीकम्पोज मीन्स ब्रेक डाउन करना, जहाँ पर एक सिंगल रिएक्टेंट होता है और दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बनते हैं टूटकर। तो ये दोनों रिएक्शन एक दूसरे के अपोजिट हैं, क्योंकि कॉम्बिनेशन में रिएक्टेंट जुड़ते हैं, प्रोडक्ट बनता है, और जो डीकम्पोजिशन है एक रिएक्टेंट टूटता है, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनते हैं। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहाँ पर एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट का कंपाउंड में या साल्ट सॉल्यूशन में उसकी पोजीशन को डिस्प्लेस करता है, उसकी जगह लेता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो आयनिक कंपाउंड होते हैं जो आपस में आयंस को एक्सचेंज करते हैं, और एक कॉन्सेप्ट ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन का न्यू है एट दिस लेवल, इसको हम बाद में करेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन जो 5th टाइप है। सो वन आफ्टर द अदर वी विल डू दिस 5 टाइप रिएक्शंस। फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या होती है कॉम्बिनेशन, नाम से होता है कंबाइनेशन होना, एडअप होना। सो दीज आर द रिएक्शन इन विच टू और मोर स्मॉल मॉलिक्यूल्स रिएक्ट और एडअप टू गिव ओनली वन प्रोडक्ट। तो ये याद रखना है, रिएक्टेंट एक से ज़्यादा हो, प्रोडक्ट जो है वो सिर्फ एक हो। जैसे कोयले का बर्न करना है तो कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर CO2 सिंगल प्रोडक्ट बनाता है। ऐसे ही कैल्शियम ऑक्साइड को देखा था आपने रिएक्शन में, वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो दो रिएक्टेंट हैं बट प्रोडक्ट ओनली वन है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बनना इज ऑल्सो ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन इन दिस केस। उसमें आपके साथ में बताया था एक्सोथर्मिक है, आपको बुक में भी दे रखी है डायग्राम ये, कि आप जब लाइम को डालते हैं बीकर में और वाटर डालते हैं और उसको साइड से टच करके देखेंगे तो इट विल बिकम वार्म। रीजन इज द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक ऑल्सो, तो कॉम्बिनेशन भी है, एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल आ जाता है। ऐसे बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन है, बेटा आपको पढ़ा भी होगा, मैग्नीशियम रिबन को रब करना पड़ता है पहले। क्यों करते हैं,
क्योंकि मैग्नीशियम एक रिएक्टिव मेटल है, उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर मैग्नीशियम ऑक्साइड की बन जाती है, उसको हम रब करते हैं हार्ड ऑब्जेक्ट से या सैंड पेपर से, फिर शाइनी जो आपके पास उसमें से आ जाता है मैग्नीशियम पीस, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। यहाँ भी दो रिएक्टेंट हैं आपके पास और आपके पास प्रोडक्ट जो है वो एक ही बन रहा है, हेंस इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सिमिलरली वी हैव अनदर एग्जाम्पल दैट इज़ बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस, जहाँ पर हाइड्रोजन गैस जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट बनाती है 2H2O। तो बैलेंसिंग भी चेक करनी है, हर एक रिएक्शन आपकी जो है इक्वेशन बैलेंस्ड होनी चाहिए। आफ्टर कॉम्बिनेशन रिएक्शन वी हैव डीकम्पोजिशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ से बहुत सारे इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी बनते हैं, डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल आ सकता है, बैलेंसिंग के लिए इक्वेशन इनमें से आ जाती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है ऑब्जर्वेशन याद करना, तो ऑब्जर्वेशन स्किल्स के लिए यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं, तो आपको इनको अच्छे से करना चाहिए। तो पहले होती क्या है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, द रिएक्शंस इन विच इफ रिएक्टेंट स्प्लिट्स अप और ब्रेक डाउन टू फॉर्म टू और मोर न्यू प्रोडक्ट्स, दैट इज कॉल्ड ए डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सो टू ब्रेक डाउन द सब्सटेंस हमें एनर्जी लगानी पड़ती है। नाउ डिपेंडिंग दिस एनर्जी सोर्स ऑफ एनर्जी और टाइप ऑफ एनर्जी, देर आर फर्दर थ्री टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। थर्मल डीकम्पोजिशन, थर्मल मीन्स हीट एनर्जी, तो जहाँ पर हीट एनर्जी को यूज़ करके कोई रिएक्टेंट हम ब्रेक डाउन करते हैं दैट इज़ कॉल्ड थर्मल डीकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोलिसिस, जहाँ इलेक्ट्रिक करंट को यूज़ करके हम स्प्लिट अप करते हैं मॉलिक्यूल। फोटो डीकम, फोटो मीन्स दैट फोटोसिंथेसिस ना होगा लाइट, तो जब लाइट एनर्जी को यूज़ करके हम डीकम्पोजिशन करते हैं दैट इज़ कॉल्ड फोटो डीकम्पोजिशन। तो थर्मल डीकम्पोजिशन को हम करें पहले, जहाँ पर हम क्या करते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जहाँ पर हम हीट एनर्जी को यूज़ करके प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन करते हैं इंटू टू और मोर प्रोडक्ट्स। तो इसका एक एग्जाम्पल है आपके पास लाइमस्टोन, चूना पत्थर, जिससे चूना बनाया जाता है चूना भट्टी में। कैसे बनाते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट को हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं, उससे कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और CO2 गैस, CO2 गैस को निकलने दिया जाता है ताकि आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड ही बचे। गैस CO2 ही है, आपके बेटा 10th क्लास में पूरे सिलेबस केमिस्ट्री में दो ही गैसेस को आइडेंटिफाई करना होता है टेस्ट के थ्रू, एक है कार्बन डाइऑक्साइड और एक है H2 हाइड्रोजन गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम टेस्ट करते हैं लाइम वाटर से। जब कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में डालते हैं तो लाइम वाटर को कलरलेस से मिल्की दूधिया सा कर देता है, तो याद रखना ये टेस्ट होता है CO2 गैस के लिए। नेक्स्ट हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट जो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है दैट इज ऑफ लेड नाइट्रेट PbNO3 ट्वाइस, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है नमक की तरह, शाइनी सा होता है इसको देखें, तो इसकी भी आपने डिकम्पोजिशन रिएक्शन करनी होती है। ड्राई टेस्ट ट्यूब में इसको स्ट्रांगली हीट करें तो तीन प्रोडक्ट बनते हैं, लेड ऑक्साइड वाइट सॉलिड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन गैस एंड ऑक्सीजन जो कि एक कलरलेस गैस होती है। अगेन रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड, तो रिएक्शन बैलेंस करेंगे, यहाँ लेड नाइट्रेट में एक दो नाइट्रोजन है, यहाँ वन, तो मीन्स एक मॉलिक्यूल से बैलेंस नहीं होगा, दो लेड नाइट्रेट कम से कम लेंगे। फिर आप इसको चेक करेंगे तो लेड भी बैलेंस हो जाएगा, नाइट्रोजन भी चार हो जाएंगे दोनों तरफ, और ऑक्सीजन जो है आपके पास वो भी आपका 12-12 ऑक्सीजन दोनों तरफ हो जाते हैं। जरूर करनी इक्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अब जितना इंपॉर्टेंट इसकी इक्वेशन लिखना है उससे ज़्यादा है इसके ऑब्जर्वेशन को नोट करना। जब हम ड्राई टेस्ट ट्यूब में इसको हीट करना शुरू करते हैं थोड़ी देर, जैसे पॉपकॉर्न की आवाज़ साउंड आती है वैसे यहाँ पर क्रैकिंग साउंड आती है, और साथ में थोड़ी देर उसके ब्राउन गैस इसमें से इवॉल्व होती है। साथ में इसमें प्रिकॉशन लेनी पड़ती है क्योंकि जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन गैस बनती है यहाँ पर वो पॉइजनस गैस है, टॉक्सिक है, वो लंग्स को डैमेज करती है, तो जो माउथ की टेस्ट ट्यूब होना चाहिए दैट शुड बी अवे फ्रॉम योर फेस। कैसे करेंगे इस रिएक्शन को दैट वी विल सी हियर, कि आपके पास ये बताया हुआ है कि टेस्ट ट्यूब को हीट करना है तो माउथ से अपने फेस से टेस्ट ट्यूब का माउथ दूसरी साइड रखना है। ऑब्जर्वेशन टाइम मैंने एक क्रैकिंग साउंड सुनाई देगी, और दूसरा आपको जैसे हाईलाइट करके मैग्नीफाई करके दिखाया ब्राउन कलर के वेपर्स प्रोड्यूस होंगे। तो वी कैन सी दिस रिएक्शन हियर व्हाट हैपन्स, सो यू आर हीटिंग लेड नाइट्रेट, कीप द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब अवे फ्रॉम योर फेस, एट दिस स्टेज यू कैन सी क्रैकिंग साउंड, जैसे बर्स्ट होते हैं ये
क्रिस्टल जो होते हैं लैंटनाइटेड के, देन ब्राउन गैस स्टार्ट टू कम आउट. यू कैन सी लिटिल ब्राउनिश कलर हेयर, दैट इज ड्यू टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस. तो जैसे जैसे और हीट करेंगे ब्राउन गैस का अमाउंट बढ़ता जाएगा. नो साथ में ऑक्सीजन गैस भी प्रोड्यूस हो रही, वो कैसे प्रूव करेंगे? तो हम एक पतली सी लकड़ी को जलाएंगे इसमें, जब उसको आग लग जाएगी फिर हम उसको बुझने देंगे. फिर ये बुझ चुकी होगी, अब आपको पता है ऑक्सीजन जो होता है वो बर्निंग में हेल्प करता है, तो इसको हम बुझाकर आग बुझाकर वापस टेस्ट ट्यूब में डालेंगे तो ये ग्लो करेगा. क्यों ग्लो करेगा? ऑक्सीजन के वजह से. देखेंगे ध्यान से, ये ग्लो करना शुरू कर देता है. तो ये दोनों टेस्ट हो जाते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन वेपर्स दिख जाते हैं हमें, और जो ऑक्सीजन है उसकी वजह से जो हमने बुझी हुई लकड़ी उसमें डाली, एक्सटिंग्विश स्प्लिंटर बोलते हैं उसको, वो उसमें क्या करता है, ग्लो करना शुरू कर देता है. तो ये था लेड नाइट्रेट, जिसकी हमें एक तो बैलेंस इक्वेशन होनी चाहिए. 2PbNO3 ट्वाइस गिव्स 2PbO प्लस 4N2, NO2 इज ब्राउन गैस एंड O2. ऑब्जर्वेशन याद रखनी है, क्रैकिंग साउंड पहले सुनाई देगी और उसके बाद ब्राउन कलर के नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जो है वो इवॉल्व होगी, प्रोड्यूस होगी. बट आपने क्या करना है, प्रिकॉशन लेना है यहाँ पर. एक तो ड्राई टेस्ट ट्यूब लेनी है, ऊपर से इसका जो माउथ का टेस्ट ट्यूब का अपने फेस से दूसरी डायरेक्शन रखना है. नेक्स्ट आपके पास रिएक्शन है फेरस सल्फेट का थर्मल डिकम्पोजिशन. तो इसको भी हीट करने पर, आप सभी के एरो के ऊपर आपने हीट जरूर लिख लेना है. हीट करने पर फेरस सल्फेट जो है वो तीन प्रोडक्ट बनाता है. रेडिश ब्राउन होता है फेरस सल्फेट, कुछ ग्रीनिश कलर का है, लाइट ग्रीन. फेरिक ऑक्साइड बनता है Fe2O3, रेडिश ब्राउन कलर का, जो जंग होता है जंग में भी रेडिश ब्राउन फेरिक ऑक्साइड होता है. साथ में दो एसिडिक गैसेज बनती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड. दोनों ही तो ये जो है एसिडिक गैसेज होती हैं. सल्फर डाइऑक्साइड की स्मेल आती है बर्निंग सल्फर, जैसे सल्फर को जलाया जाता है वैसी, और जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है वो वाइट फ्यूम्स बनाता है मॉइस्चर की प्रेजेंस में. तो आपने इसको रिएक्शन को एक्चुअली होता दो स्टेप में है, तो ऑब्जर्वेशन दो बनेंगी आपके अलग अलग. फर्स्ट ऑब्जर्वेशन होती है कि हाइड्रेटेड सॉल्ट है, हाइड्रेटेड सॉल्ट में जिस सॉल्ट में वाटर भी प्रेजेंट हो. तो जब आप इसको हीट करते हैं तो पहले क्या होता है, टेस्ट ट्यूब के इनर साइड में वाटर ड्रॉपलेट्स आते हैं. जो फर्स्ट इक्वेशन लिखी है यहाँ बी पर, वहाँ उसके अकॉर्डिंग जो वाटर मॉलिक्यूल रिवॉल्व होते हैं वो टेस्ट ट्यूब के अंदर वाइट स्मॉल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में इकट्ठे होते हैं. तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है, वी विल सी स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ऑन इनर साइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब. सेकेंड ऑब्जर्वेशन होगा, रेड लाइट ग्रीन फेरस सल्फेट चेंजेस टू रेडिश ब्राउन फेरिक ऑक्साइड विद एवोल्यूशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस विच प्रोड्यूसेस बर्निंग सल्फर स्मेल. ये आपको डायग्राम में दिखाया है, फेरस सल्फेट को हीट करने पर सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस हैविंग स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर प्रोड्यूस होती है. कलर जो होता है वो लाइट ग्रीन से रेडिश ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है. तो ये भी आपने इसको याद रखना है, फेरस सल्फेट को जब हम हीट करते हैं. उसके बाद है इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट को पास करके हम किसी चीज़ को ब्रेक डाउन करते हैं. एग्जांपल है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर. तो वाटर के थ्रू जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन करता है. तो इलेक्ट्रिक करंट सोर्स ऑफ एनर्जी है और ब्रेकिंग डाउन हो रहा है, तो ये इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन है. बट इक्वेशन इज नॉट बैलेंस्ड. व्हाई इज नॉट बैलेंस्ड? बिकॉज ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में होता है और यहाँ पर सिंगल ऑक्सीजन है. तो हम इसको बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, 2 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा H2O को. चार हाइड्रोजन बनेंगे तो 2H2O बनेगा. बट यहाँ पर भी आपको लैब में जब इसको करना है तो दो क्वेश्चन और आते हैं यहाँ से. एक होता है रिलेटेड टू रोल ऑफ H2SO4. प्योर वाटर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो उसमें से करंट पास करने के लिए उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड आयंस प्रोड्यूस करेगा और आयंस हेल्प करते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी बढ़ाने में. सो व्हाट इज द रोल ऑफ H2SO4 इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर? इट इज़ यूज टू इनक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ प्योर वाटर, बिकॉज प्योर वाटर इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सेकेंड, वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो अगर हम बैलेंस इक्वेशन देखें तो एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ बनने पर दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के बनते हैं, इट मींस वॉल्यूम ट्वाइस होगा. तो अगर बुक में डायग्राम दी है उसको ध्यान से देखें, कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन और एनोड के ऊपर ऑक्सीजन गैस बनती है. ऊपर दोनों के वॉल्यूम्स को कंपेयर करोगे तो आपके पास देखेंगे हाइड्रोजन का वॉल्यूम ट्वाइस बन रहा है ऑक्सीजन का 1, क्योंकि 2:1 रेशो है. हाइड्रोजन 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, ऑक्सीजन 1 मॉलिक्यूल बन रहा है. तो जितनी देर में ऑक्सीजन की एक टेस्ट ट्यूब भरेगी इसमें, उतनी देर में हाइड्रोजन की दो टेस्ट ट्यूब.
जितनी देर में हाइड्रोजन की एक टेस्ट ट्यूब भरेगी ऑक्सीजन की आधी टेस्ट ट्यूब भरेगी। तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछते हैं, व्हाई इट इज़ सो दैट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ईच सिंगल टेस्ट ट्यूब और इन ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर वी गेट टू टेस्ट ट्यूब्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। द रीजन इज वॉल्यूम रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज 2:1, हाइड्रोजन इज फॉर्म ट्वाइस दैन दैट ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट रिएक्शन वी हैव डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस मीन्स द डीकम्पोजिशन रिएक्शन दैट अकर बाई यूजिंग सनलाइट और लाइट एनर्जी। तो इसका एग्जाम्पल है आपके पास सिल्वर क्लोराइड का थर्मल डीकम्पोजिशन। तो एरो के ऊपर आपने लाइट लिखना है, लाइट एनर्जी। सिल्वर क्लोराइड जो है वो वाइट सॉलिड होता है, और जब इसको सनलाइट में रखते हैं तो आपकी बुक में डायग्राम भी दी हुई है इसकी, तो ये क्या करता है ग्रे में चेंज होता है और पेल ग्रीन क्लोरीन गैस निकलती है। हमें पेल ग्रीन येलो ग्रीन क्लोरीन गैस नहीं दिखेगी, रीज़न है वो बहुत स्लोली बनती है, बट कलर आप वाइट से सिल्वर चेंज होता हुआ देख लेंगे ग्रे कलर का। इक्वेशन को बैलेंस करना है तो क्लोरीन जो है रिएक्टेंट में एक था, प्रोडक्ट में दो, तो हमें टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर टू ही आपके पास सिल्वर बनेंगे। तो ये बुक में दे रखा है कि वाइट सिल्वर क्लोराइड को जब धूप में रखते हैं तो ये ग्रे क्यों चेंज हो जाता है। रीज़न इज इट्स फोटो डिकम्पोजिशन टेक्स प्लेस टू फॉर्म सिल्वर एंड क्लोरीन गैस। सिमिलरली अनदर रिएक्शन इज थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड इज ऑल्सो वाइट इन कलर, बट लाइट में रखने पर ये दो पार्ट्स में टूटता है, सिल्वर जो ग्रे कलर का है और ब्रोमीन लिक्विड जो कि ब्राउन कलर का है। इस वजह से इसको यूज़ किया जाता है फोटोग्राफी में, जो फोटोग्राफी फिल्म्स होती थी पहले उनके ऊपर प्लास्टिक के ऊपर सिल्वर ब्रोमाइड की कोटिंग रहती थी और लाइट की प्रेजेंस में उसमें इमेज जो होती डिकम्पोजिशन की वजह से फिक्स हो जाती थी। और एक इसका यूज़ होता है फोटोग्रे सनग्लासेस में। फोटोग्रे सनग्लास क्या होते हैं, जिनको आप लगा के जाओ धूप में तो वो डार्क हो जाते हैं और वापस छाया में आ जाते हैं, वो कलरलेस होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो इसी रिएक्शन पे बेस्ड है कि सिल्वर ब्रोमाइड डाल दिया जाता है उसमें, वो कलरलेस होता है, जैसे धूप में जाते हैं तो डीकम्पोजिशन होने से ब्राउन कलर का ब्रोमीन बनता है और ग्रे कलर का सिल्वर, जिससे वो डार्क हो जाता है। बट ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, वापस आप छाया में आते हैं तो फिर से सिल्वर और ब्रोमाइड रिएक्ट करके क्या देते हैं आपको, सिल्वर ब्रोमाइड। तो दिस इज फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दो एग्जाम्पल आपके पास हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होती हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन इन विच ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट चाहे वो मेटल हो या नॉन मेटल टेक्स द प्लेस ऑफ लेस रिएक्टिव एलिमेंट इन ए कंपाउंड और साल्ट सॉल्यूशन। तो यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में आपको थर्ड चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल में दिया है कि हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि कब डिस्प्लेसमेंट होगा कब नहीं होगा, किसको हम बोलते हैं मोर रिएक्टिव मेटल किसको बोलते हैं लेस रिएक्टिव। यहाँ हमने सिर्फ मीनिंग समझना है, तो हमने एग्जाम्पल्स लिखने हैं मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक एग्जाम्पल है आपके पास वेरी कॉमनली कि जब हम जिंक का पीस या ग्रैन्यूल एक्वस कॉपर सल्फेट में डालते हैं तो वो जिंक सल्फेट और कॉपर बनाता है। अब यहाँ इक्वेशन तो बैलेंस लिखना आसान है बट ऑब्जर्वेशंस आर मोर इम्पॉर्टेंट अगेन, क्योंकि ये भी एक्टिविटी बेस्ड है। तो दो ऑब्जर्वेशन इसमें रखनी है याद आपने कि एक तो जो कलर ऑफ द सॉल्यूशन है दैट विल चेंज फ्रॉम ब्लू टू कलरलेस, क्योंकि कॉपर सल्फेट ब्लू था, जब वो जिंक सल्फेट बन गया तो वो कलरलेस हो गया। साथ में जो जिंक की सरफेस है जो डिप्ड है उसमें, वहाँ पर रेडिश ब्राउन कलर की आपको कॉपर एटम्स जो बने हैं वो उनकी लेयर की फॉर्म में बन जाते हैं। तो ये दो ऑब्जर्वेशन हैं आपकी कि कलर चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू कलरलेस एंड रेडिश ब्राउन लेयर ऑफ कॉपर इज डिपॉजिटेड ऑन द सरफेस ऑफ जिंक मेटल या जिंक ग्रैन्यूल। यू कैन सी दिस रिएक्शन It takes about 5 to 10 minutes to occur. So we are just showing it in little forward. So we can see here that when we have put this zinc granule, zinc plate in this copper sulfate, color is fading away. ये थोड़ा dark blue रह गया जो pure copper sulfate का यहाँ solution, और यहाँ पर क्या हो रहा है आपके पास, it is slowly changing into, we can say, जिंक सल्फेट। और जब जिंक सल्फेट में वो चेंज हो रहा है तो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, वो कलरलेस सॉल्यूशन हो जाएगा। आप साथ में देख सकते हैं जिंक की जो मेटल थी उसके ऊपर लेयर बन गई है कॉपर के एटम्स की। तो इसको और टाइम के लिए रखते जाएं और टाइम के लिए रखते जाएं तो अल्टीमेटली आप क्या देखेंगे कि यहाँ पर बहुत ही कलरलेस है। आप आधे घंटे बाद देखेंगे इसको जाके तो ऑलमोस्ट वाटर की तरह साफ हो जाता है कॉपर सल्फेट, क्योंकि इसमें सारा कॉपर डिस्प्लेस हो जाता है कॉपर सल्फेट से। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं इट हैज़ बिकम ट्रांसपेरेंट, वाटर जो है कलरलेस हो गया और जो कॉपर था इसमें वो सारा डिपॉजिट हो गया जिंक की सरफेस के ऊपर। सो
So these two observations, color changes from blue to colorless, and there is deposition of red brown layer of copper on the surface of zinc metal. ये दोनों important हैं observations यहाँ पर. उसके बाद हमारे पास displacement reaction another example magnesium plus CuSO4. तो इसमें भी same observations होती हैं. magnesium भी ज़्यादा reactive है copper को displace करके, खुद magnesium sulfate ना देगा, वो colorless है जैसे पहले था, और red brown layer जो है copper की वो deposit हो जाएगी on the surface of magnesium. Another equation of displacement example is iron, nail and copper sulfate. So iron is also more reactive, so ये भी copper को displace करता है, but यहाँ पर जो solution बनता है वो blue to light green बनता है. Reason क्या है उसका, कि ferrous sulfate light green होता है, जैसे हमने thermal decomposition में देखा था ferrous sulfate is light green in color. So balancing is simple, again observations are important. पहला होगा ब्लू टू लाइट ग्रीन, दूसरा होगा आयरन लेयर के ऊपर कॉपर की लेयर बन जाएगी जैसे पहले के दो केसेस में हमने देखा. सो वी कैन सी दिस रिएक्शन आल्सो हियर इन एक्चुअल प्रैक्टिस. इसको कंप्लीट रिएक्शन होने को 1-2-3 दिन भी लग जाते हैं, तो वो डिपेंड करता है कितना कॉपर सल्फेट आपने डाला है. तो हाँ, और सरफेस एरिया क्या है नेयर का, तो आपको दिखा रहे हैं इस बीकर में एक आयरन नेयर को बड़ी को डिप करके रखा है. आयरन की सरफेस के ऊपर जो नेल की सरफेस है वहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, और जो कॉपर है वो डिस्प्लेस आउट होकर आयरन की नेल पर डिपॉजिट होगा. सॉल्यूशन जो है वो ब्लू से धीरे धीरे लाइट ग्रीनिश कलर में चेंज हो जाएगा, और जो फेरस सल्फेट बनेगा वो भी ग्रीन कलर का दिखेगा आपको इसमें. ये देखिए 3 दिन लगे, 3 दिन के बाद जो है इसकी रिएक्शन आप देख सकते हैं, ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट नीचे बैठा हुआ है, नेल के ऊपर भी ग्रीन कलर का देख सकते हैं फेरस सल्फेट लगाया, और आगे रेड ब्राउन कलर का कॉपर जो है उसने कवर कर लिया आयरन नेल को. सो दिस इज एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बाय आयरन नेल. तो सॉल्यूशन कैसे चेंज करेगा, ब्लू टू ग्रीनिश कलर और लाइट ग्रीन. यहाँ पे क्रिस्टल देख सकते हैं फेरस सल्फेट के लगे हुए थे ग्रीन कलर के नेल के ऊपर. सो ये थी आपके पास रिएक्शन ऑफ आयरन विद copper sulfate. Then we have another reaction, lead. It is also given in your book. Lead is also more reactive than copper. So copper chloride solution is also blue. When we put lead in it, it form white precipitates jo niche baith jate hain solid of PbCl2, and copper gets deposited on the surface of a lead metal. So total 4 apne displacement reaction dekhi, जिंक कॉपर सल्फेट, मैग्नीशियम कॉपर सल्फेट, आयरन कॉपर सल्फेट एंड लेड कॉपर क्लोराइड. देन वी हैव सो कलर इनके याद रखने हैं, कौन सा ब्लू से कौन सा कलर बन रहा है. तो आपके पास मैग्नीशियम और जिंक के केस में कलरलेस है, और बाकी सभी में कॉपर की डिपोजिशन होती है मेटल की सरफेस के ऊपर. आफ्टर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस वी हैव डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. व्हाट आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? These are the chemical reactions in which two ionic substances or reactants exchange their ions with each other. These are further divided into two categories, neutralization and precipitation reactions. Neutralization reaction वो थी जहाँ एक acid और एक base आपस में react करते हैं, exchange करते हैं ions को. और आपके पास precipitation reaction क्या होती हैं, ये वो double displacement reaction है जिनमें जो product नए दो बनते हैं उनमें से एक product insoluble हो जो नीचे रिएक्शन मिक्सचर में सेटल कर जाता है डाउन में, एज प्रेसिपिटेट सेटल डाउन करेगा, वहीं से इनका नाम बना है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ए रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन. इसको भी आप सेकेंड चैप्टर में भी है, वहाँ एसिड बेस एंड सॉल्ट है, तो वहाँ पर भी इस रिएक्शन को एक्टिविटी के फॉर्म में करते हैं, तो वहाँ हम इसको ऑब्जर्व कैसे करते हैं वो भी आपको क्लियर होगा. तो 3 एग्जांपल्स मैंने दिए हैं, आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस जब यहाँ पर रिएक्ट करेंगे तो सोडियम विल गो टू Cl एंड H विल गो टू OH, बनेगा क्या NaCl एंड H2O. सिमिलरली सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एंड 2KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस, यहाँ 2K विल गो टू सल्फेट एंड फॉर्म K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, एंड 2 हाइड्रोजन 2OH विल फॉर्म 2H2O. नाइट्रिक एसिड HNO3 ऑल्सो रिएक्ट विद NaOH, सोडियम विल गो टू नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट NaNO3 प्लस H प्लस OH जो है वो बना देगा H2O. तो वेरी सिंपल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड और बेस के बीच सॉल्ट एंड वाटर बनाने के लिए. वेरी इंपॉर्टेंट आर द प्रेसिपिटेशन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस.
these are those chemical reaction in which reactants exchange their ions to form two products, but one of the product is water insoluble, जो settle down करता है as PPT or precipitate. तो examples आपके पास हैं इसमें sodium sulphate की reaction barium chloride के साथ solution. दोनों ही transparent solution होते हैं. जैसे इनको react करते हैं fraction of second भी नहीं लगता है. Barium goes to sulphate and form barium sulphate, जो insoluble है इसलिए solid लिखा है, और ये सेटल डाउन करता है रिएक्शन मिक्सर में पीपीटी की फॉर्म में, वाइट कलर तो वाइट पीपीटी बनाएगा ये. और साथ में NaCl बनता है जो वाटर सॉल्युबल है, सोडियम 2 है Cl2 है तो 2 NaCl बनेगा. ये सॉल्युबल होने की वजह से एक्वस वर्ड लिखा गया है इसके साथ. आप इस रिएक्शन को भी देख सकते हैं, बहुत ही फास्ट रिएक्शन होती है ये वाली रिएक्शन जो आयनिक रिएक्शन है, और इनमें आपके पास ऑब्जर्वेशन भी नोट करने होते हैं कि कलर कौन सा होता है. तो जैसे आपके पास ये लिया हुआ है इसमें वाइट और ट्रांसपेरेंट Na2SO4 सॉल्यूशन, अब ऊपर से जैसे इसमें ड्रॉप डालेंगे बेरियम क्लोराइड की, बेरियम सल्फेट बनेगा जो वाइट पीपीटी की फॉर्म में नीचे सेटल कर जाएगा. थोड़ी देर रखने के बाद इसको आफ्टर 5 मिनट्स देखें तो ये पीपीटी की फॉर्म में सेटल डाउन कर जाता है. उसके बाद आपके पास एक और एग्जाम्पल है लेड नाइट्रेट, इसका एक्वस सॉल्यूशन, और Ki पोटेशियम आयोडाइड का एक्वस सॉल्यूशन. ये भी दोनों ही ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन होते हैं. जैसे ही आप पोटेशियम आयोडाइड को लेड नाइट्रेट में डालते हैं, लेड गोज़ टू आयोडाइड, बना देगा लेड आयोडाइड Pb2, और K गोज़ टू नाइट्रेट, तो 2K हैं, 2NO3 हैं, बन जाएगा 2KNO3. इनमें लेड आयोडाइड जो है वो इनसॉल्युबल है तो येलो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में नीचे सेटल करता है, और KNO3 जो है वो सॉल्युबल है तो वो एक्वस सॉल्यूशन बनाता है. वी कैन ऑब्जर्व दिस रिएक्शन, अगेन ऑब्जर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आपने क्या करना है, जैसे ही हम एक कलरलेस ट्रांसपेरेंट टेस्ट ट्यूब में PbNO3 सॉल्यूशन है उसमें Ki डाला तो इमीडिएटली ये येलो पीपीटी बना देता है. यू कैन सी इट अगेन हियर, इट विल टेक हार्डली इवन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड. जैसे ही आपने इसमें एक सॉल्यूशन Ki डाला, इट विल फॉर्म येलो पीपीटी ऑफ लेड आयोडाइड. तो ये भी एक एग्जांपल है आपके पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, जहां पर हम Ki सॉल्यूशन लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन में Ki को डालते हैं ड्रॉप वाइज, और लेड आयोडाइड की येलो पीपीटी बन जाती है. सो दिस वाज अनदर एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वाइट पीपीटी बेरियम सल्फेट में, येलो पीपीटी जो है वो आपके पास लेड नाइट्रेट के केस में बनती है. सो दिस वाज फॉर टुडे. नेक्स्ट